हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो क्लास 10th के लिए खास तौर पे खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लिब्रा ऑफिस और एमएस ऑफिस के तमाम एक्सटेंशंस और तमाम उसमें मिलने वाले सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस ऑफिस से स्टार्ट करते हैं। तो एमएस ऑफिस का जो पहला सॉफ्टवेयर है वो है एमएस वर्ड। तो मैं यहाँ विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूँ और एमएस वर्ड को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ विंडोज के साथ आर प्रेस किया मैंने और पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का जो कीवर्ड होता है वो विंड वर्ड लिखा जाता है और एंटर प्रेस करते ही एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। अब ये देख सकते हैं एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ जिससे हमें ये टेक्स्ट मिल जाएगा, तो ये टेक्स्ट हमने ले लिया है। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ फाइल पे जाके, ये देखिए इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा ताकि आपको ठीक तरह से दिखाई भी पड़े। तो ये यहाँ पर आकर के और फिर ये यहाँ पे डेस्कटॉप दिया हुआ है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और इसे मैं वर्ड के नाम से सेव करता हूँ, एमएस वर्ड या केवल वर्ड कर देते हैं और इसे डेस्कटॉप पे ही करना है सेव। तो ये डेस्कटॉप पे कर दिया सेव, ठीक है। तो ये तो एमएस वर्ड की फाइल रही। एक बार फिर विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूँ, इस बार एक्सेल की फाइल यहाँ पे खोलता हूं मैं। तो ये एक्सेल और ये भी एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एक्सेल और इस पर बहुत ज्यादा वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो देखिए ये एक्सेल है और ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अगर मैं इस पे कुछ लिख देता हूँ और फिर इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, ये यहाँ पे जाकर के, और फिर इसको भी मैं वापिस से वही डेस्कटॉप पे ही करूंगा सेव। तो ये देखिए डेस्कटॉप आ चुका है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ एक्सेल के नाम से, तो EXCEL एक्सेल लिख दिया हमने और डेस्कटॉप पे ही चूंकि करना है सेव तो डेस्कटॉप पे इसको कर देते हैं सेव। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब जो तीसरा सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, तो तीसरा सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के लिए कीवर्ड यूज किया जाता है पावर PNT। तो रन कमांड से खोलने के लिए आपको लिखना होगा पावर PNT और प्रेस करना होगा एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये पावर PNT यानी कि पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ भी मैं एक शेप ले लेता हूँ, लाइक दिस, ये देखिए ये एक शेप ले लिया मैंने और इसी को सेव कर देता हूँ। इस तरह से बना करके इसको सेव करता हूँ। हम आज एक्सटेंशन की बात करेंगे, इसीलिए इन फाइलों को मैं सेव कर रहा हूँ ताकि आपको मैं एक्सटेंशन के बारे में बता सकूं। एक्सटेंशन को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और अगर आप बिगिनर हैं और एक्सटेंशन के बारे में बातें क्लियर हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ये हो गया पावर पॉइंट। अब एक और सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, डेवलपर एडिशन होता है तो ये अलाउड नहीं है। तो अभी बात कर लेते हैं लिब्रा ऑफिस की यानी ओपन ऑफिस की, ठीक है। ओपन ऑफिस अगर आप लेते हैं तो भी आपको लगभग यही एक्सटेंशन मिलता है। तो अभी यहां पर आते हैं राइटर। तो जो एमएस वर्ड आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, यहां पर उसे कहा जाता है राइटर। क्या बोलते हैं, लिब्रा राइटर बोलते हैं इस सॉफ्टवेयर को। और यहां पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूं और यहां पर इसे सेव करता हूं डेस्कटॉप पे, तो ये देखिए इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं। ये यहां से डेस्कटॉप पे गया मैं और इसको एक नाम दे देता हूं, लाइक इसे नाम दे देता हूं लिब्रा राइटर, ये नाम दे दिया हमने और अब इसको सेव कर देता हूं डेस्कटॉप पे। तो ये हमने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, तो ये लिब्रा राइटर तो सेव हो गया। अब फिर बाहर आते हैं, फिर यहां से इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद क्या करना है हमें, ओपन करने के बाद यहां पर कैल्क हमें ओपन करना है। तो आपको याद है एमएस एक्सेल यूज किया करते थे हम और यहां पर कुछ लिख देते हैं, एमएस ऑफिस में हम लोग एमएस एक्सेल यूज करते थे, यहां लिब्रा कैल्क यूज करेंगे और फाइल पे जाकर के इसको भी करना है सेव। तो सेव बटन पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप पे कर देता हूं सेव कैल्क के नाम से। तो यहां पे CALC, ये कैल्क के नाम से इसे सेव कर दिया। अब एक और सॉफ्टवेयर बच जाता है हमारे पास कैल्क में, एक या दो बचता है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर है। आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है, जबकि आप एमएस ऑफिस यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर पॉइंट का ही एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंप्रेस के नाम से आपको मिल जाता है। और अगर आप इसे सेव करते हैं, जैसे यहां पर जाकर के इसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव है इस पे, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई इसे नाम दे देता हूँ और डेस्कटॉप पे इसे कर देता हूँ सेव। तो ये भी सेव हो गया। तो दोनों ही में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीनों हमने सेव किया है, ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर आपको मिलता है जिसे हम बोलते हैं लिब्रा बेस डेटाबेस। तो ये कहाँ पे मिलता है वो दिखा देता हूँ। और एमएस अगर ऑफिस की बात करें तो वहां पर आपको एमएस एक्सेस मिलता है जिसके फाइल की एक्सटेंशन होती है .accdb। यहां पर आपको बेस डेटाबेस मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप इसे चाहे तो फिनिश कर सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये देख पाएंगे आपकी एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहां से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप ये क्रिएशन बाद में बताऊंगा,
.odb इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये एक्सटेंशन ध्यान में रखिएगा, इसको बंद करता हूं। अब जो तमाम फाइलें हमने सेव की हैं उनके एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग फाइलों की, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के फाइलों की पहचान हम एक्सटेंशन से ही तो करते हैं। तो यहां पर आते हैं, अब वर्ड वाले फाइल पर राइट क्लिक करता हूं, मैं आपको एक्सटेंशन दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ आ रहा है .docx, यानी कि एमएस वर्ड के फाइल की एक्सटेंशन होती है .docx, जो मैं यूज कर रहा हूं, 2019 यूज कर रहा हूं, तो इसमें .docx ही होगा। अगर मैं 2007 यूज करता तो .doc मिलता हमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, एक्सेल की। तो यहां पर राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। यहां पर आपको xlsx मिलता है एक्सटेंशन फाइल का, यानी एक्सेल के फाइल की एक्सटेंशन होती है .xlsx, पुराने वर्जन में .xls ही होता है, यानी 2007 की बात करें तो उसमें आपको xls ही मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं पावर पॉइंट की। यहां पर राइट क्लिक करता हूं और यहां से प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा .pptx, ये दिखाई पड़ रहा है .pptx, यानी पावर पॉइंट के फाइल की एक्सटेंशन होती है .pptx, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें पुराने वर्जन की तो केवल .ppt उसमें लगता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये लिब्रा राइटर है, इस पर राइट क्लिक कर देता हूं और यहां से प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा .odt, यानी लिब्रा राइटर के जो फाइल की एक्सटेंशन होती है .odt होती है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं लिब्रा कैल्क, तो ये जो कैल्क है इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, यहां पर ods आपको मिल जाता है, यानी ods यानी s लास्ट में है, इट मींस कि ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट, ओके। तो यहां पे ods जो है लिब्रा कैल्क के फाइल की एक्सटेंशन होती है, और लास्ट में बच जाता है इंप्रेस, यानी लिब्रा इंप्रेस, तो इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .odp होती है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो .odp इसीलिए लगाया गया है। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी, अलग अलग एक्सटेंशंस हैं। अगर आपकी आपसे लिब्रा ऑफिस या ओपन ऑफिस के बारे में पूछा जाए तो आपको लिब्रा वाला ही बताना है, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।